सोते समय करें ये काम, स्त्री खुद आपके प्यार में तड़पेगी, सुबह तक वो आपके लिए बेचैन हो जाएगी, तड़पने लगेगी। बस सोते समय आपको यह एक छोटा सा काम करके सोना है, बिना ये मंत्र उच्चारण किए हुए वशीकरण हो जाएगा। बस छोटा सा ये आपको टोटका करना है घर बैठे सोते समय। अगर आप इस वशीकरण के टोटके को कर लेते हैं तो कितनी भी पुरानी दुश्मनी होगी दोस्ती में बदल जाएगी, कितना भी बड़ा दुश्मन होगा वो आपका दोस्त बन जाएगा, और कितना भी पुराना ब्रेकअप हो गया होगा वो तुरंत आपसे मिलने आएगा। और अगर आप दोस्तों किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं तो आखिर में एक ऐसी बात बताऊंगा वो भी आपके बहुत ज़्यादा काम की होगी। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, आपको कुछ अपनी तरफ से ऐसी जानकारी दूंगा जो साथ ही साथ में टोटका भी आपको सिखाऊंगा, और ये भी एक जानकारी दूंगा। दोस्तों जब आप सोते हैं, जिस समय आप सोते हैं, खाना पीना खा के भोजन वगैरह करके जब आप सोने लगते हैं, तो ये आपको समय देखना है कि समय 12 से पहले ना हो, 12 बजे के बाद ही इस उपाय को करिएगा। अगर आप 10 बजे 11 बजे सो जाते हैं तो थोड़ा जग लीजिए, और जग के 12 बजे के बाद ही आप सोने की कोशिश करिएगा और इस उपाय को करके सोइएगा। बहुत ही प्रचंड तरीका है दोस्तों, ऐसा तरीका जो तुरंत आपका प्यार सुबह तक आपके वश में हो जाएगा। अगर आप स्त्री हैं तो आपको सबसे पहले बता देता हूँ, अगर आप वो ऐसे दिनों में चल रही हैं, कोई महिला कोई स्त्री वो ऐसे दिनों में चल रही हैं जहाँ पर वो अपवित्र हों, तो इस उपाय को ना करें। जब ठीक हो जाए सही हो जाए तब करें। अगर पुरुष तो पुरुष इसको पवित्र होकर के ही करेगा। दोस्तों एक छोटी सी चीज़ आपको लेकर के आनी है अपने घर में, और स्त्री करेगी तो अलग है, पुरुष करेगा तो अलग है, लेकिन ये टोटका एक जैसा ही है। ये टोटका एक जैसा है, चीज़ बदल जाएंगी वही आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं स्त्री पर बात कर रहा हूँ तो स्त्री को ही बता देता हूँ। अगर वो स्त्री किसी पुरुष को बेइंतहा मोहब्बत करती है, चाहती है, उससे विवाह करना चाहती है और उसके साथ हमेशा रहना चाहती है, उसके मन में उसको लेकर के बेइंतहा प्यार है, मोहब्बत है, तो सुबह तक आपके वश में वो हो जाएगा, तो कैसे होगा? आपको उस पुरुष का यानी उस लड़के का फ़ोटो अपने पास रखना है, और फोटो के ऊपर आपको सिर्फ 777 बार नाम जपना है, और सिर्फ छोटा सा ये एक शब्द बोलना है जो हम आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर ये शब्द नज़र आएगा और इसे 777 बार उसका नाम लेकर के पढ़ते जाएं, फोटो पर फूंकते जाएं। 12 बजे आपको इस उपाय को करना है, और करने के बाद में फोटो को उठाएंगे, तकिया के अंदर रख देंगे और सो जाएंगे। सुबह तक वो आपके प्यार में मचल जाएगा, दीवाना हो जाएगा। मेरी बहन, आप अपने पति के लिए भी अगर चिंता में हो तो ये चिंता आज से आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब अगर कोई पुरुष किसी महिला को वश में करना चाहे तो कैसे करे? तो वो भी फोटो के ऊपर ही करेगा। अगर फोटो नहीं मिलता है तो नींबू के ऊपर करेगा, और यही मंत्र करेगा जो सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आपको चाहे महिला हो चाहे पुरुष, दोनों के लिए यही मंत्र है, और फोटो के ऊपर ही करना है। लेकिन अगर पुरुष है और फोटो नहीं है तो वो नींबू के ऊपर भी यही कर सकता है। नींबू के ऊपर इसी मंत्र को पढ़े और उसका नाम ले, और नींबू को ऊपर फूंके, और नींबू को अपनी तकिया के अंदर रख के चुपचाप सो जाएगा। लेकिन आपको ये उपाय जब करना है तो कोई आपको देख ना सके और कोई आपसे पूछ ना सके कि आप ये क्या करने जा रहे हैं, किसी को वश में करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं बोलिएगा। चुपचाप एकदम खामोशी से इस वशीकरण के उपाय को करिएगा। दोस्तों रिजल्ट आपको सुबह तक इसका ज़रूर नज़र आएगा, 100% नज़र आएगा, और आप इसे पवित्र होकर के ही करिएगा, क्योंकि
ये जो टोटका है सिद्ध किया हुआ है, 777 बार जब आप नाम ले लेंगे तो ये शक्तिशाली एक वशीकरण का तंत्र बन जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे इस बताए हुए टोटके को करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल GHTV को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, दूसरों के पास में भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनका भी काम बन सके। दोस्तों, अगर आप कमेंट में अपना नाम लिखते हैं और माता रानी की जय जयकार करते हैं, अपना नाम लिखेंगे, आज्ञा लेंगे, तो आपको आज्ञा ज़रूर दी जाएगी। बिना आज्ञा लिए हुए इस उपाय को कोई ना करे और बिना हमारे चैनल का सपोर्ट किए बिना कोई भी इस उपाय को ना करे, मेरी तरफ से इजाज़त नहीं होगी। इजाज़त तब होगी जब आप हमारे चैनल का सहयोग करेंगे, और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, हमसे संपर्क कर सकते हैं।